about another exciting proposition that he has built from scratch after having spent several years outside of India and looking at how farming and agriculture sector has been evolving over the years in various parts of the world. Based on those learnings, he has set up this venture in India after having returned here, and he has built a very successful venture which is now present not only in India but in various parts of Africa as well. Particularly the stories he was sharing with us about how he and his wife have actually been able to, the stories they were narrating to us about how they are able to connect with the tribal folks and give them huge benefits on account of the platform that he has created is truly amazing. So over to you, Jitendra. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. हिंदी में बोलूँ तो चलेगा क्योंकि सुबह से हम लोग अंग्रेजी सुन रहे हैं. ये एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में मैं बता रहा हूँ. हम लोग बेसिकली NRI फैमिली थे. 2008 में हम बम्बई वापस आए और ये एक ऐसा कीड़ा काटा जिसके कारण हम लोग बॉम्बे में नहीं रह के एक सुदूर गांव में कोरापुट और रायगढ़ जहाँ नक्सलाइट बेल्ट है वहाँ पर हम लोग रहते हैं और वहाँ के आदिवासियों के साथ काम करते हैं. ये कोई चैरिटी या ग्रांट नहीं है. इट्स बिलो डिग्निटी फॉर एवरीबडी. इट्स ए प्योर बिजनेस. ये पूरा प्रोसेस है और ये हमारी संस्था का नाम है साई इज एन एब्रिविएशन सस्टेनेबल एग्रो इनिशिएटिव. बेसिकली जो है हमारे पास सॉलिड इंडियन एक्सपीरियंस है 6 साल का 2013 से 2018 तक. हम लोगों को नीति आयोग ने हमारे मॉडल को वैलिडेट किया हुआ है और हमारी नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई है डॉक्टर राजीव के साथ, मिस्टर अमिताभ कांत के साथ, डॉक्टर रमेश शांत के साथ. सभी जानते हैं हमारे मॉडल को. इंटरनेशनल लेवल पे यूरोप में जो है एक संस्था है सीड जिसको UNDP, UNEP और यूरोपियन यूनियन ने इस्टेब्लिश किया है. उन्होंने हमारे मॉडल को वैलिडेट किया और उन्होंने हमारे मॉडल को रेप्लिकेट जो है अफ्रीकन कंट्री में करना चाहा. 2017 से हम लोग अभी 3 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में, युगांडा में और घाना में. इंडिया में अभी तक हम लोग 900 हेक्टेयर बैरन लैंड जो बंजर भूमि है उसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है. उसमें जो है अभी तक 1260 किसान है. ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं, ये जो है किसान की ज़मीन है. 1260 छोटे सीमांत किसान हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं. 15 लाख से ज़्यादा पेड़ हम लोग लगाए हैं. ये पेड़ जो है वो पेड़ हैं जिनसे पेपर बनते हैं. ये पेपर जो आप देख रहे हैं ये सभी इन पेड़ों से बनते हैं. और साथ साथ करीब जो है 400 मिलियन मेट्रिक टन हम लोगों ने फूड ग्रेन मिलेट्स वगैरह जो आपने कभी सुना होगा जिनकी जो स्कार्सिटी भी थी वो सब हम लोग ग्रो कर रहे हैं. और मोर देन 400 टाइम्स जो है फार्मर्स का इनकम इनके थ्रू जो है उनको डेवलप हो रहा है. हम लोगों ने एक छोटे से सोच के साथ स्टार्ट किया. वो किसान, वो आदिवासी किसान जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे है क्या वो एक वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनर हो सकता है? ये शायद कल्पना से परे है. हम लोगों ने इस सोच के साथ काम किया कि नो, हमें उन्हें कोई ग्रांट चैरिटी नहीं देनी है. दे हैव डिग्निटी, दे हैव रिसोर्सेज, वी हैव टू डेवलप देम, वी हैव टू कन्वर्ट देम एज ए बिजनेस पार्टनर. बहुत सारे हर्डल्स थे. सबसे बड़ा माइंडसेट बाहर के लोगों का नहीं, खुद उन किसानों का जो कहते हैं साहब हम तो गरीब पैदा हुए हैं और गरीब मरेंगे. और हमारा कहना है जिसके पास आज की दुनिया में जमीन है वो गरीब हो ही नहीं सकता. इनविजिबिलिटी, ये सभी छोटे छोटे किसान सुदूर क्षेत्रों में. जब मैं नाम लेता हूँ कि भाई हम लोग कोरापुट के जंगलों में काम कर रहे हैं, उड़ीसा के लोग नहीं आना चाहते क्योंकि सबसे बड़ा डर उनको नक्सलाइट्स का है. हमने बस्तर के क्षेत्रों में काम किया है और हम और मैडम जो है हम लोग वहाँ पे रहते हैं गांव में भाड़े के मकान में. हम लोग जाते हैं वहाँ रहते हैं काम करते हैं. रिमोटनेस जैसे मैंने बताया, यहाँ से बॉम्बे से हमें वहाँ जाने में 27 घंटे लगते हैं मिनिमम. लैंड एलियनेशन आपने सुना होगा लेकिन ये टर्म मैंने यूज़ किया है एलियन लैंड.
हम लोग उड़ीसा को बिलोंग नहीं करते हैं। पिछले 10 सालों से नवी मुंबई में रह रहे हैं, उसके पहले फिलीपींस में थे। हम लोग बेसिकली झारखंड और बिहार से हैं। तो भाषा की समस्या, गांव में पहचान नहीं, शहर में पहचान नहीं। तो आप जब बात करते हैं वाइडनेस ऑफ क्रेजी थिंग्स, तो ये वो चीज़ें थी। और हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे सामने ये नहीं था कि भाई हमारे पास अथाह पैसे हैं और हमें जो है गांव में की लगा देना है। बूटस्ट्रैपिंग का नाम आपने सुना होगा। मैं अर्न करता हूँ इंटरनेशनल कंसल्टेंसी से, उसमें से एक हिस्सा हमारी फैमिली को जाता है, एक हिस्सा गांव में जाता है, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। तो मेंटेनिंग फैमिली वाइल सस्टेनिंग ए सोशल इंटरप्राइज वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज। ये जानती हैं उन्होंने कैसे परिवार संभाला और कैसे जो है बिजनेस संभाला, बट हर कदम पे हम लोग साथ काम किए। इश्यूज बहुत थे, रिसोर्सेस। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं डाटा देख रहा था, 4,25,000 एकड़ जमीन सिर्फ दो जिलों में, कोरापुट और रायगढ़ में, ऐसी हैं जो कल्टीवेबल वेस्टलैंड है, जहां खेती हो सकती है लेकिन हो नहीं पा रही है। उसको कैसे यूज करें? ये जो गांव में आबादी है, जो बाहर आ रहे हैं, एक्सप्लाइटेशन हो रहे हैं, कुली का काम कर रहे हैं, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, एक ये इशू था। दूसरा इशू था ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना जिससे कल फार्मर को नहीं फायदा हो, जिससे इन्वेस्टर्स का भी फायदा हो, जिससे इंडस्ट्रीज का भी फायदा हो, और जिससे जो है गवर्नमेंट का भी फायदा हो। पॉवर्टी एलिवेशन की जब बात करते हैं, गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है। अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड थी। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो हम जो ट्रिपल बॉटम अप कहते हैं, प्लैनेट पीपल प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों को एड्रेस करता है। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमने जो है लोगों की डिमांड समझी, इंडस्ट्रीज की डिमांड समझी। 19% जो है, ये पेपर जो आपके पास आ रहे हैं, इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। 2020 में जो है 21 में 12 लाख टन से 25 लाख टन इसकी डिमांड होने जा रही है रॉ मटेरियल की। तो 19% जो अभी इंपोर्ट हो रहा है वो कितना होगा आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर इंडस्ट्री के साथ टाई अप करते हैं, जेके पेपर मिल है, बल्लार सा है, ITC है, और फिर बैकवर्ड लिंकेजेस का काम करते हैं, छोटे किसानों को संगठित करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देना, रूरल यूथ को हम लोग जो एम्प्लॉय करते हैं, जो बाहर जाते हैं उनको हम लोग वहीं पे ट्रेनिंग देके ऐसे स्टाफ हायर करते हैं, और उनकी ट्रेनिंग देना, उनको थ्रू और प्रोडक्शन सपोर्ट करना, एंड टू एंड सप्लाई चेन जो कहते हैं, और बाद में जो है ट्रांसपोर्टर वगैरह हायर करके इसे सप्लाई करना, और जो भी पैसे होते हैं उसमें एक हिस्सा हम लोग रख के बाकी हिस्से फार्मर्स को दे देते हैं। सो दैट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल। कुछ फोटो से देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऐसी बंजर जमीन है, और ये सभी फार्मर की जमीन है, ऑल दीज आर फार्मर्स लैंड। और इसे आप देख सकते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है बहुत खुशी से गांव में रहते हैं। एक मोटरसाइकिल हमने खरीदा, अपने सभी स्टाफ को मोटरसाइकिल दे दिया है। आप देख सकते हैं हम लोग गाँव में ही घूमते रहते हैं, जहाँ लोग जाने से डरते हैं हम लोग वहाँ रात में भी घूमते हैं। ये बिफोर एंड आफ्टर है। आप अगर वहाँ देखेंगे वो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ नीचे भी है, छुप गया है। ये सिर्फ 3 साल का अंतर है। चौथे साल तो किसान को 2 लाख से 2 लाख रुपये एक एकड़ के पीछे फायदा हो जाता है। हम लोग क्यों सक्सेस हुए? सबसे पहले हमारी एबिलिटी थी, वी कैन रीच पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सुदूर गांव में हम लोग जाकर उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ बिगनिंग से हम लोग रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। आप देखते हैं हम लोग उनके साथ मिलके उनके खेतों में काम करते हैं, तो वो जो डिस्ट्रस्ट होता है वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हम लोगों ने, इन्होंने जैसे वीमेन एम्पावरमेंट, एडोलेसेंट गर्ल के ऊपर काफ़ी फोकस किया, तो वीमेन फार्मर्स का कंसेप्ट हम लोग वो वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। ये महिलाएँ, ये लड़कियाँ जो बाहर जाती थी, दिल्ली में, बॉम्बे में जो आती थी, उनका काम हो रहा है। एंड टू एंड सप्लाई चेन है, रूरल यूथ है। ये हमारी जर्नी है 2013 से अभी तक। आप देखेंगे ऊंचाई कम है, गहराई ज़्यादा है, तो हम लोग जब जब ऊपर उठने की कोशिश किए हम लोग नीचे गिरे। काफ़ी लंबी जर्नी थी। मॉडल हम लोगों ने पहली बार जो है, जो ऑब्वियस था, पहली बार हम लोगों ने जो है मॉडल में
इम्प्रूवमेंट किया, आफ्टर दैट इज स्टेडी, बट आवर जर्नी हैज बीन फ्लक्चुएटिंग. ये हमारा ग्रोथ पैटर्न है. 2013 से 16 तक हम लोग प्रोटोटाइप किए. 17 में हमें आइडेंटिफिकेशन मिलना शुरू हुआ. स्विट्जरलैंड से भी हमें सपोर्ट मिला, जर्मनी से भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, और हम लोग जो है साउथ अफ्रीका में अपने मॉडल को जो है वहाँ पे जो है प्रोटोटाइप किए. इस बार हम लोग युगांडा और घाना में कर रहे हैं. ये भी हम लोग अभी सीरियसली देख रहे हैं कि इसे सी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं. वैसे ये हमारी टीम है इंडिया की और अफ्रीका की. ये हमारा ग्रोथ प्लान है. हम लोग बेसिकली 1.5 लाख एकड़ तक जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे 15,000 रूरल यूथ को जॉब मिलेगा. 1 लाख फार्मर जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे. करीब $100 मिलियन का इम्पोर्ट हम लोग सेव कर सकते हैं. अंत में केवल की लेसन जो है, 5 की लेसन्स हैं. एक एज ए एंटरप्रेन्योर जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं, शुरू में काफ़ी तामझाम मिलेंगे, बट आफ्टर डैट यू आर अलोन इन द सी. तो वो आपके ऊपर जो विश्वास है वो आपको इस जर्नी में हेल्पफुल रहेगा. दूसरा ये है कि आप कुछ गलती करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि वंस यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फॉल्ट, यू स्टार्ट फाइंडिंग रीजन फॉर द फॉल्ट. आपने कहाँ गलती की थी, वो हम लोगों ने वो चीज़ की. फॉरगिव, बहुत लोग धोखा देंगे. सो पॉल कोहेलो कहते हैं, फॉरगिविंग चेंज द पर्सपेक्टिव, फॉरगेटिंग लूज द लेसन्स. सो फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट. इम्प्रूव वोकैबुलरी. मैं टेक्निकल फील्ड से आया था और मैं बिजनेस फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हमारी लैंग्वेज अलग है. तो अनलेस हम लोग अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते. सुबह में डॉक्टर मेहरा ने जैसे कहा कि टेनिक्स क्या होता है, ये मैं 3 साल पहले मैंने सीखा कि होता क्या है, जब वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ बातचीत करना शुरू किए. लुक फॉर इंस्पिरेशन. जब भी आपको मुश्किलें आएँ, इस हॉल में भी बड़े बड़े लोग हैं जो काफ़ी स्ट्रगल करके ऊपर आए, आप उनसे बात कीजिए, उनके बारे में पढ़िए कैसे किए. यू लुक फॉर इंस्पिरेशन, यू विल गेट द मोटिवेशन. सो दीज आर द 5 लेसन्स. विद दैट आई एंड माई प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Actually, he's been very modest in presenting the success story, the growth story that he has undergone. And he has been ably supported by his wife. So actually, aapka journey vaise, it was not a lonely journey. So we will hopefully have some opportunity to talk to her also about how she got involved and how she has been supporting or playing an important role as a partner in this journey a little later. Now we will turn to Mini, who has got a very unique venture that she conceptualized, and she has implemented this very successfully. This is all about the passion she has been carrying for all those exotic, wonderful